2019 मसीहा अगस्त 6 तारीख में जम्मू कश्मीर रु 370 धारा उठिला। गृहमंत्री अमित शाह एने राज्यसभा घोषणा करते स्वाधीनता परठारु कश्मीर में 370 धारा एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग भाव रही आ कम समय मध्य बिना बिवाद उठाइबा संभव बोली अधिकांश लोकों मन में धारणा ना जुगांतकारी पदक्षेप को नहीं से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशवासी प्रशंसार पात्र होते कारण पूर्व केन्द्र में कांग्रेस वर्ष वर्ष धरी शासनाधीन थे करें असमर्थ थी तेरे भारत सम्मुखें एपरी एकाधिक समस्या रही है से गोटे हूँ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अथवा पीओके। वास्तव में पीओके हूँ जम्मू कश्मीर एक अंश मिलित जातिसंघ और आंतर्जातीय संगठन मान अनुमोदन क्रमे पीओके वर्तमान पाकिस्तान कब्जार रही। पीओके मुख्यतः आजाद कश्मीर और गिलगिट बालोटिस्तान को नहीं गठित तेरे पीओके को फेर आने भारत पर एत सहज बोली अनेक विशेषज्ञ मत दे तेरे पीओके को नहीं एक नुआ अपडेट आसी निकटने एने एक बयान दे चर्चा को केंद्र पंचायत राज मंत्री कपिल पाटिल। महाराष्ट्र थाने जिले में एक कार्यक्रम में उद्बोधन देवा अवसर में यह मंतव्य से देखते से कहते जे आसंता 2024 रे भारत कब्जा को पीओके आसव प्रधानमंत्री दक्ष कार्यशैली समस्त असंभव कार्य संभव हो पार जम्मू कश्मीर 370 धारा उच्छेद भाई ऐतिहासिक पदक्षेप नहीं निजर वरिष्ठ निष्पत्तिर परिचय दे पारिछन्ति मोदी सरकार। एथिसह देश में दरदाम वृद्धि को नहीं बढ़ुवा जन असंतोष को नहीं से मध्य प्रतिक्रिया रखिछन्ति से कहते जे देश में आलु पियाजर दाम 10 टंका बढ़ीगले लोकों ता बाधुची मात्र लोक मैंने चिकेन मटन पिज्जा आदि चढ़ा मूल्य किणवाक कुंठाबोध प्रकाश करूना प्रत्येक समस्या को नहीं देशर प्रधानमंत्री को दायी करवा अनुचित तेरे केन्द्रमंत्री एपरी बयान बर्तमान सोशियाल मीडिया भाइराल होवार लगी। 2024 रे लोकसभा निर्वाचन थिबारु मोदी सरकार क्षमता हाथे कि बड़ पदक्षेप नहीं पारती तेरे जन केन्द्रमंत्री एभली एक गुरुत्वपूर्ण मंतव्य देते दूर सत हो 2024 रे जमा पड़ा। अधिक अपडेट आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलु। निर्भय सूचना निर्भय सह सब आपण।